दिल्ली की मुख्य सचिव मारपीट विवाद में मुख्यमंत्री के ही सलाहकार के बयान ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन ने कोर्ट में गवाही के दौरान माना है कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट हुई थी। साथ ही वीके जैन ने ये भी कहा कि मारपीट के दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को बचाने तक की जहमत नहीं उठाई। भले ही आम आदमी पार्टी इसे वीके जैन का पुलिस के दबाव में दिया गया बयान बता रही हो, लेकिन कोर्ट में अब वीके जैन आई विटनेस बन चुके हैं और अब वो अपने बयान से मुकर नहीं सकते। इस बयान के आधार पर पुलिस सीएम और डिप्टी सीएम को भी आरोपी बना सकती है। वहीं इस बीच एक दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्ला को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। साथ ही घटना के समय मौजूद बाकी 9 विधायकों पर भी पुलिस का शिकंजा अब कसता जा रहा है। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।